कोई सुझाव नहीं है ऐसे। वो बस भिखारी की तरह बैठे हैं बीजिंग के सामने कि डियर चाइना, हम हाथ जोड़ के कहते हैं आपसे, प्लीज हमारे साथ ये अत्याचार बंद कर दीजिए। आपको क्या लगता है चाइना सुनेगा उनकी? हमारी डेमोक्रेसी को हम पावरफुल मानते हैं, मगर चाइना के सामने सब पानी बन गया है। कितना मुश्किल होगा ये, या किस तरह का डिपेंडेंस है ईयू का चीन के ऊपर? मर्सिडीज के अंदर ऑलमोस्ट 20% जो शेयर होल्डिंग है वो चाइनीज कंपनीज की। एक त्रिशूल समझ लो, सेल्फ इन्फ्लिक्टेड त्रिशूल है ये, जो कि तीनों तरफ से चाइना पे निर्भर हो गया है। यूरोपियन यूनियन रशिया की गैस खरीद रहा है, अभी रशिया की गैस पे इतना निर्भर था, रशिया ने अटैक कर दिया, अब वो कुछ कर नहीं पाए। वही चाइना है जो कि भारत को बोल रहा है कि आपके बॉर्डर पे हमारी लड़ाई जो भी है, हमारे ट्रेड रिलेशंस होते रहने चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं ORF की खास पेशकश गोलमेज, और इस बार हमारे साथ हैं खास मेहमान गौतम चिकरमणे। बहुत शुक्रिया आपका गौतम समय देने के लिए। और आपको इस बार हमने इसलिए बुलाया गोलमेज में कि आपने एक रिसर्च पेपर लिखी है एज पार्ट ऑफ रायसीना डिबेट्स एक्सपर्ट स्पीक, जिसका नाम है बेगिंग विल नॉट डी रिस्क ब्रसेल्स फ्रॉम बीजिंग। तो ये टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है, इसका जो हेडर है वो ही बहुत इंटरेस्टिंग है, और उसमें कई बातें आपने कही हैं। ये जो रिपोर्ट है जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं, जिससे आप एक्सप्लेन कर रहे हैं, वो EU चैम्बर ऑफ कॉमर्स इन चाइना एंड चाइना मैक्रो ग्रुप की रिपोर्ट है। इसमें आपने ये भी कहा है कि जो रिकमेंडेशंस चाइना को दी गई हैं EU की तरफ से, उसमें ऐसा लग रहा है कि यूरोप एक तरह से भीख मांग रहा है कि चाइना जो है वो रूल बेस्ड ऑर्डर को माने, जो कि चाइना से उम्मीद करना भी बहुत गलत है, और ये यूरोप की मदद नहीं करने वाला है। If I can quote line कि begging China to adhere to rule based order, तो इससे क्या मतलब है आपका? यूरोप इस समय किस तरह के स्लम्बर में है, और उसको ये डीएक्टिवेट या डीरिस्क करने के लिए, नॉट डीएक्टिवेट बट डीरिस्क, डीकपलिंग के लिए चाइना से क्या क्या मुश्किलें दिख रही हैं? एक तो मुझे तो लगता है यूरोप कंफ्यूज्ड स्टेट ऑफ अफेयर्स में है। दरअसल आज की बात नहीं है ये 70-75 सालों का दे हैव बीन, इनको हर तरीके से किसी ना किसी मेजर पावर ने कंट्रोल किया है। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद फॉर इंस्टेंस उनका पूरा सिक्योरिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर, सिक्योरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी अमेरिका पे थोप दी गई, तो अमेरिका हैड देयर ब्रेकफास्ट। फिर बीच में उनको गैस की ज़रूरत पड़ी, रशिया से चीप गैस मिलने लगी, तो रशिया के गैस पे वो निर्भर हुए, तो रशिया हैड देम फॉर लंच। और अब वहाँ पे जब मैन्युफैक्चरिंग, मार्केट्स और ये सब उनको जब चाहिए अपने प्रोडक्ट्स के लिए, अपनी जॉब्स के लिए, अपने प्रॉफिट्स के लिए, तो वो चाइना के पास गए हैं मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए। और अब मुझे लग रहा है उनका डिनर अब चाइना खाने वाला है ऑल थ्रू। इनकी कोई एरर, कोई बड़ा एरर नहीं, इकोनॉमिक एरर नहीं है ये स्ट्रेटेजिक एरर है। वो सोच नहीं पा रहे हैं कि किस प्रकार से यूरोप जो है, EU जो है, हमने तो सिर्फ EU की बात करी है, समीर सरन और मैंने दोनों ने ये लिखा है, और हमने तो सिर्फ यूरोपियन यूनियन की बात करी है, पूरे यूरोप की नहीं। मगर ओवरऑल अगर आप देखा जाए तो इन्होंने हर चीज़ अपनी आउटसोर्स करके, किसी ना किसी बड़े पावर के साथ जुड़ के, उस पर निर्भर होके अपना स्ट्रेटेजिक स्लम्बर में जाके चैन से सो गए हैं। और जो जो पैसे वो अपने डिफेंस के लिए, अपने सुरक्षा के लिए रख सकते थे या उसका प्रयोग कर सकते थे, वो सब उन्होंने वेलफेयर में लगा दिया। तो उनकी एक विशियस साइकिल हो गई है कि मोर एंड मोर वेलफेयर, लेस एंड लेस स्ट्रेटेजी, और बाकी लोग आके उनके सर पे तांडव कर रहे हैं। चाइना कोई अलग नहीं है। कभी बोलते हैं डीकपलिंग करनी है क्योंकि चाइना हमारा एडवर्सरी है, कभी बोलते हैं नहीं डीकपलिंग नहीं हो पाएगी, लेट अस जस्ट डू डी रिस्किंग। अब डी रिस्किंग का क्या मतलब है? तीसरी बात, आप क्या समझते हैं, आपने जो करना है कर लिया, ठीक है, तो आपको लगता है चाइना आपकी बात मानेगा? क्यों मानेगा भाई? आप चाइना से डी रिस्क की बात कर रहे हो और चाइना को ही हाथ जोड़ के कह रहे हो भैया हमें डी रिस्क करवा लो। क्या मतलब है? ये किस प्रकार की सोच है? ये मुझे समझ ही नहीं आ रही। इट इज नॉट अ स्ट्रेटेजिक नेशन। वो स्ट्रेटेजिक स्लम्बर में है और अभी तक बचा हुआ है। अभी रशिया की गैस पे इतना निर्भर था, रशिया ने अटैक कर दिया, अब वो कुछ कर नहीं पाए। हम पे बोलते रहते हैं कि आप इंडिया गैस खरीद रहा है। बाय द वे, अभी भी यूरोपियन यूनियन रशिया की गैस खरीद रहा है जी। और इनमें से 4 देश सबसे आगे हैं, फॉर इंस्टेंस इटली, ऑस्ट्रिया, स्लोवाकिया और एक और देश है जो कि सबसे आगे हैं। लेकिन अभी आज तक, इस वक्त तक, वो उनकी गैस खरीद रहे हैं। हमें लेसन देते कि हम उनका जब रशिया का ऑयल खरीदते हैं तो हम वी आर फाइनेंसिंग रशिया अगेंस्ट यूक्रेन, तो आपके जो गैस खरीद रहे हो वो पैसे कहाँ जा रहे हैं? मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा वही किस प्रकार की सोच है। हमें लेक्चर देते हैं और रात को जाके उनके साथ सोच। तो ये जो EU चैम्बर ऑफ कॉमर्स इन चाइना ने जो रिपोर्ट लिखी है उसका नाम भी है रिस्कफुल थिंकिंग नेविगेटिंग द पॉलिटिक्स ऑफ इकोनॉमिक सिक्योरिटी। तो इकोनॉमिक सिक्योरिटी के लिए यानी कि इतने ज्यादा वो निर्भर रहे हैं चीन के ऊपर, वो चीन को कह रहे हैं कि आप सेल्फ रिलायंट इतने मत रहें, आप ट्रांसपेरेंसी भी रखें, जो कि चीन से ये उम्मीद रखना शायद थोड़ा मुश्किल है कि वो ट्रांसपेरेंसी रखेंगे, रूल बेस्ड ऑर्डर मानेंगे। तो आप इसमें ऐसा क्या दिखता है इस पेपर में? कुछ रिकमेंडेशंस भी होंगे EU के बिजनेसेस के लिए कि वो किस तरह से इस इकोनॉमिक सिक्योरिटी को आपको लग रहा है कि नेविगेट कर पाएंगे, आर्थिक तौर पे आत्मनिर्भर और सुरक्षित रहे वो अपने आप में, चीन पर उनकी निर्भरता कम हो, ऐसे क्या कुछ इसमें सुझाव भी दिए गए हैं? कोई सुझाव नहीं है ऐसे, वो बस भिखारी की तरह बैठे हैं बीजिंग के सामने कि डियर चाइना, हम हाथ जोड़ के कहते हैं आपसे प्लीज ये हमारे साथ ये अत्याचार बंद कर दीजिए। आपको क्या लगता है चाइना सुनेगा उनकी? फॉर दैट मैटर अगर अमेरिका को ऐसे बोलो कि अमेरिका सुनेगा उनकी? अमेरिका कह ही रहा है कि आप अपने 2% ऑफ GDP लाइए डिफेंस में अपने आप को बचाने के लिए, वही सुन के उनको घबरा गए हैं। तो ऐसा कौन सा बड़ा पावर है जो कि ऐसा करेगा? बाय द वे EU और चाइना का जो GDP है बराबर ही है, लगभग 19-20 का अंतर है। तो यहाँ पे 27 देश हैं, डेमोक्रेसीज हैं, हमारी डेमोक्रेसी को हम पावरफुल मानते हैं मगर चाइना के सामने सब पानी बन गया है। तो ऐसा लग रहा है कि एक अथॉरिटेरियन रिजीम के अंदर एक अथॉरिटेरियन लीडर के सामने 27 देश के लोग झुक झुक के कह रहे हैं भाई मान जाओ, भाई मान जाओ, और उस पर निर्भरता भी है। मुझे तो समझ ही नहीं आ रही है किस प्रकार का है। अब लोग कहते हैं अगर आप डी कपल करें रादर देन डी रिस्क तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, हमारी मार्केट्स खत्म हो जाएंगी, हमारे फाइनेंसिंग खत्म हो जाएगी वगैरह वगैरह। मगर मैं कहता हूँ अगर खत्म भी हो गया इसमें क्या प्रॉब्लम है? पिछले 55 सालों में हमने 3 ऑयल शॉक्स देखे हैं, इकोनॉमिक क्राइसिस, 2 बड़ी बड़ी इकोनॉमिक क्राइसिस देखी हैं, एक जो नॉर्थ अटलांटिक क्राइसिस थी, दूसरी जो एशियन क्राइसिस थी, और अभी हमने कोविड देखा है, अब वॉर देख रहे हैं। तो हर जगह पे इन्फ्लेशन बढ़ जाए, इनको चिंता होती है इन्फ्लेशन की। तो अगर ये लोग चाइना से अगर डीकपल करें तो एक झटका पड़ेगा इन्फ्लेशनरी प्रेशर का, उसके बाद थिंग्स शुड बी बैक टू नॉर्मल एज दे हैव बीन इन द पास्ट। बट मुझे समझ ही नहीं आ रही किस प्रकार का ये किस प्रकार की सोच है, कैसे सोच रहे हैं। इनकी कंपनियां जो है इनकी कंपनियों के अंदर चाइनीज इन्वेस्टमेंट्स आ गई हैं। आज भी जब डी रिस्किंग की बात चल रही है, डी कपलिंग नहीं डी रिस्किंग वगैरह वगैरह, डिसएंगेजमेंट की बात चल रही है, जब ये इस चर्चाओं के दौरान वोक्सवैगन और मर्सिडीज $1-1 बिलियन और इन्वेस्ट कर रहे हैं चाइना के अंदर। तो एक मुझे तो लगता है ये एक एडिक्शन हो गया है। अब चाइना ने जिस दिन बदला और कहा कि भाड़ में जाओ, तब आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को सोचना पड़ेगा कि इतना बड़ा रिस्क आप ले रहे हो। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो गए लार्ज कंपनीज के लिए, सिटीजन्स हो गए डेमोक्रेटिक गवर्नेंस के लिए। तो आई डोंट नो व्हाट दे आर थिंकिंग, हाउ दे आर थिंकिंग, बट क्लियरली दे आर रॉन्ग। तो गौतम, इसमें किस तरह का एक शब्द भी यूज किया हुआ है कि ये जो रिपोर्ट है वो एक्सपोज करती है EU के टॉक्सिक डिपेंडेंस को चीन के ऊपर। तो इस समय जो डी रिस्क पहले करने की कोशिश, डी कपलिंग यानी कि अलग करना चाहते हैं, अपने एक सेल्फ रिलायंट होना चाह रहे हैं ज्यादा EU, पर कितना मुश्किल होगा ये, या किस तरह का डिपेंडेंस है EU का चीन के ऊपर? एक तो चाइना के पैसे आते हैं एज इन्वेस्टमेंट। फॉर इंस्टेंस मर्सिडीज के अंदर ऑलमोस्ट 20% जो शेयर होल्डिंग है वो चाइनीज कंपनीज की है। दूसरी तरफ चाइनीज मार्केट है जहाँ पे आप अपने प्रोडक्ट्स बेचते हो। तीसरी तरफ चाइनीज मैन्युफैक्चरिंग है जहाँ पे आप अपने प्लांट्स लगाते हो ताकि सस्ता मैन्युफैक्चर करके सारी दुनिया में आप बेचें। तो इस ये 3-pronged एक त्रिशूल समझ लो, सेल्फ इन्फ्लिक्टेड त्रिशूल है ये, जो कि तीनों तरफ से चाइना पे निर्भित हो गया है। एंड ये इकोनॉमिकली हो जाए डजेंट मैटर, मगर ये अब स्ट्रेटेजिकली हो रहा है। और इस वक्त पोलराइजेशन बढ़ता जा रहा है, इस वक्त डी ग्लोबलाइजेशन बढ़ता जा रहा है। उस दौरान EU अभी भी इतना डिपेंडेंट रहेगा एक देश के ऊपर और वो भी ऐसा हेजेमोनिक देश, तो ये सोचने वाली बात है। कई बार हमारे यहाँ पे आते हैं बाहर के लोग, यूरोप से कोई फॉरेन मिनिस्टर आता है, कोई डिफेंस मिनिस्टर्स आते हैं, कोई थिंक टैंक के लोग आते हैं, उनको ये समझ नहीं आता कि ये प्रॉब्लम क्या है। तो मैं उसे ऐसे आर्टिकुलेट करता हूँ, वॉट रशिया इज टू EU, चाइना इज टू इंडिया। और आज नहीं तो कल चाइना का, और नाउ हमारा तो बॉर्डर की प्रॉब्लम है, लेकिन अगर बॉर्डर ना भी हो, आपने देखा कैसे Huawei 2019 ऑनवर्ड्स में कैसे वो टेक्नोलॉजिकल इंट्रूजन्स कर रहा था बाय यूजिंग चीप इक्विपमेंट ऑफ Huawei एंड ZTE। पहले ऑस्ट्रेलिया ने, फिर भारत ने, फिर US ने, फिर UK ने, फिर एक एक करके सब यूरोप ने Huawei को भगाया वहां से, कि उन्होंने बैन कर दिया, सिवाय जर्मनी और फ्रांस के। तो अगर चाइना ने हर चीज वेपनाइज कर ली है, तो आप क्या ट्रेड करोगे, किस प्रकार का ट्रेड होगा? ये ट्रेड नहीं है, ये स्ट्रेटेजिक ओपनिंग है, अब स्ट्रेटेजिक वल्नरेबिलिटी है यूरोप की। तो इस स्ट्रैटेजिक वल्नरेबिलिटी को एक ऐसे समय में जब पोलराइजेशन भी बहुत बढ़ रहा है, और इस तरह की जो आपने कहा ना कि सिर्फ इकोनॉमिक डिपेंडेंस नहीं, एक तरह से स्ट्रेटेजिकली ये बहुत खतरनाक है। अब ये इस रूल बेस्ड ऑर्डर के लिए जिसको चीन बहुत मानता नहीं है, किस तरह का खतरा या चुनौतियां खड़ी करता है इस समय। आप देखें कि एक तरफ ये इजराइल गाजा की युद्ध के कारण जो तमाम दुनिया पे असर, इधर रशिया और यूक्रेन के युद्ध के कारण जो सप्लाई चेन, चाहे ऑयल सप्लाई, सब पे जो असर पड़ा है, और वैसे में ये EU का इतना इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक डिपेंडेंस चीन के ऊपर, आपने सही कहा कि एक हेजेमोनिक देश के ऊपर, वो कितना खतरनाक है सभी के लिए? ये मेरे ख्याल से कितना खतरनाक है ये EU जानता है, और उसके सारे 27 देश जानते हैं। उसके ऊपर ये कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, इस बात का मुझे सरप्राइज है। शायद ये भी हो सकता है कि 27 देशों का एक साथ आना और एक डायरेक्शन में एक डिसीजन लेना इतना आसान ना हो, ये भी हो सकता है। तो यू कैन गिव देम द बेनिफिट ऑफ डाउट, बट ये बेनिफिट ऑफ डाउट आपको सिर्फ इकोनॉमिक, कल्चरल, टेडी बेयर्स, पेन पेंसिलों के आसपास हो सकता है। जब भी वो स्ट्रेटेजिक इश्यूज बन जाते हैं, आपकी मैन्युफैक्चरिंग उन पे वल्नरेबल है, आपकी प्रॉफिट्स उनके ऊपर वल्नरेबल हैं, जॉब्स वल्नरेबल हैं, तब आपको ज़्यादा डीपली सोचना पड़ेगा। और चाइना से डीकपलिंग तो मेरे विचार में इनएविटेबल है, सिंपल है इन द मीडियम टर्म। हाँ, शॉर्ट टर्म में कठिनाई होगी, दर्द होगा, आपको झेलना पड़ेगा। मतलब वॉर से तो कमी है ना ये, और मैंने आपको गिनवाए थे कितने सारे हमने क्राइसिस, ब्लैक स्वान्स झेले हैं पिछले 55 सालों में, तो ये एक और होगी। मगर आप उस पर आगे बढ़ना, थोड़ा सा मेरे ख्याल EU इज लिटिल फ्रोजन बाय चाइना। ओके, एक लास्ट सवाल इसी में था कि यूरोप, हम जान रहे हैं कि EU जो है खास करके इस समय एक तरह की नींद में सोया हुआ है, एक थका हुआ सा ये गुट लगता है, जिसमें आर्थिक समस्याएं भी काफी हैं, और इनको अपने सप्लाई चेन के बारे में दोबारा से सोचना होगा। इस रिपोर्ट में ये भी लिखा गया है कि जो रिपोर्ट EU चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने जाहिर की, उसमें 9 रिकमेंडेशंस भी हैं कुछ यूरोपियन बिजनेसेस के लिए। ये भी है कि किस तरह से एक तरह भीख भी मांग रहे हैं कि जो हमारे यहाँ की कंपनियां हैं, चीन से कहा जा रहा है कि आप उनको सजा मत दें अगर सरकारें कुछ गलत फैसले या कुछ ऐसे फैसले जो चीन को पसंद नहीं है वो लेती हैं। तो ये रियली मतलब उनसे बहुत अपील कर रहे हैं, लेकिन रेकमेंडेशंस यूरोपियन बिजनेसेस के लिए क्या हैं इसमें? बेसिकली आप तैयार रहिए, सतर्क रहिए, कीप वॉचिंग इट क्लोजली। जब वो पॉलिसी बदलती है उसका ध्यान रखिए, ऐसा ना हो कि आप कुछ करें तो एक कोलाहल मच जाए, इस प्रकार के प्रैक्टिकल एडवाइस दिए हुए हैं। बट फ्रैंकली आपने एक बात बोली जो मतलब हमने रिपोर्ट में भी लिखी है बेसिकली, कि ये लोग भीख मांग रहे हैं कि जो लोग G2G यानी गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट अगर कोई प्रॉब्लम हो तो वो C2C यानी B2B बिजनेस टू बिजनेस पे उसका असर ना हो, ठीक है। मगर आप देखिए वही चाइना है जो कि भारत को बोल रहा है कि आपके बॉर्डर पे हमारी लड़ाई जो भी है, हमारे ट्रेड रिलेशंस होते रहने चाहिए। तो ये चाइना का कोई मॉडल ही नहीं है, उसका सिर्फ हेजेमनी है, कंट्रोल है, डिक्टेटोरियल है, सेंट्रलाइज्ड गवर्नेंस सिस्टम है, चेयरमैन ऑफ एवरीथिंग इज वन मैन, सब एक बंदे के हाथ में है। उसके साथ अब क्या, कभी यूरोप को कुछ बोल रहा है, भारत से कुछ बोल रहा है, अमेरिका को कुछ बोल रहा है, उसका कोई एक प्रिंसिपल्स बेस्ड नहीं है। यूरोप, अमेरिका, वेस्ट जो है वो प्रिंसिपल्स बेस्ड कहने की अपने आप को कहते हैं, ऑल्दो हर समय अपना प्रिंसिपल को वो फॉलो नहीं करते। लेकिन अगर रूल्स बेस्ड ऑर्डर है तो चाइना को बोलो फॉलो करें, नहीं तो वी आर आउट। वो नहीं कर पा रहे हैं, तो दे आर एडिक्ट। मेरा एक ही शब्द जो मैं बार बार कह रहा हूँ, दे आर एडिक्टेड फॉर सम रीजन। और जैसे रशिया ने फाइनली ईयू के खिलाफ एक्शन लिया यूक्रेन में वॉर करके, तो परहैप्स दे नीड टू वेट कि चाइना रशिया को ज्वाइन करेगा और ये वॉर जब बढ़ेगी तब शायद कोई एक शॉक मिलेगा इनको, शायद ऑटोमेटिकली डीकपलिंग तब हो। तब तक ये लोग ऐसे ही रेंगते रहेंगे, भिखारियों की तरह भीख मांगते रहेंगे और ये ठीक नहीं है। और अगर चीन से सिर्फ ये अपील कर रहे हैं कि एक रूल बेस्ड ऑर्डर जो है आप वो फॉलो करें और ट्रांसपेरेंसी लाएं, तो ये उम्मीद करना बहुत ज़्यादा होगा कि चीन इस बात को मानेगा। कहते हैं कि जब तक आप में खुद सामर्थ्य नहीं है तब तक दूसरों से मदद की अपील करना जो है वो बेकार होता है। तो धन्यवाद आपका गौतम चिकरमणे, हमारे साथ जुड़ने के लिए, समझाने के लिए कि इस रिपोर्ट के क्या मतलब है। थैंक यू।